हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। तो आई होप कि सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो देखिए जी, आज मैं आपके साथ लास्ट व्लॉग लेके आ रही हूँ अपना। तो कैसा रहा हमारा ये सफ़र बताऊंगी आपको ज़रूर वीडियो में, आगे बने रहिएगा। और सबसे पहले परेड देख लेते हैं। काफ़ी दौड़ भाग करनी पड़ी हमें यहाँ पे ये सेरेमनी देखने के लिए। और इसको कहा जाता है रिट्रीट सेरेमनी, जिसमें दोनों देश की सेनाएं जो हैं, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो हमारी यहाँ पे है ये देखिए, और दूसरे देश पाकिस्तान की भी जो सेना है, उनके जो अफसर होते हैं यहाँ पे, वो दोनों देश के झंडे को ना बड़े ही सम्मान के साथ उतारते हैं और आपस में जो है आपसी सहयोग का यहाँ पे माहौल दिखाया जाता है। ये देखिए, तो जो परेड यहाँ पे हो रही है काफ़ी देखने लायक है। ये देखिए, दोनों देश के जो सिपाही है एक जैसी परेड यहाँ पे करते हैं बिल्कुल। और कुछ टाइम के लिए यहाँ पे ये देखिए जो बॉर्डर है ये खोल दिया जाता है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए एक दूसरे के साथ यहाँ पे हाथ मिलाया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे जो हमारे देश का झंडा है वो हमारे देश की सेना जो है ये निकाल देती है यहाँ पे। तो ये शाम को सूर्यास्त से पहले होता है। तो सर्दियों के दिनों में अगर जा रहे हैं तो 4:15 से होता है ये, और अगर सर्दियों के दिन में जा रहे हैं तो ये 4:15 से होता है। अगर गर्मियों के दिनों में जा रहे हैं तो ये 5:15 से होती है। लगभग 45 मिनट तक चलती है, पूरी फिक्स है इसका कि इतने टाइम तक ये चलती है। तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर जाके, ज़रूर जाइएगा एक बार। और इतने नज़दीक से ना हमने पाकिस्तान को पहली बार देखा, तो देख सकते हैं आप। वैसे मैं कोशिश करी थी और लेकिन हमसे ना गलती होगी, हम ऊपर जाके बैठ गए, और इससे अच्छा ना जब हम गए थे तो हमारी सीटें जो थी वो काफ़ी नीचे भी हम बैठ सकते थे, लेकिन
हमने सोचा कि ऊपर से ज्यादा अच्छा दिखेगा, लेकिन ऊपर से फिर क्या हुआ ना कि जब लोग खड़े हो जाते हैं ना तो फिर वो दिखता नहीं है। अभी यहाँ पे लोग जो हैं वो खड़े हुए हुए हैं, तो ऊपर से भी फिर ना थोड़ा दिक्कत आ रही थी देखने में, लेकिन काफी इंजॉय किया हमने यहाँ पे जाके और देखा हमारे देश का मतलब कितना ज्यादा हो ना। सच्ची में लगता है कि हमारी जिंदगी जो है वो कीड़े मकोड़ों की जिंदगी है, और असल में जो हमारे देश के सिपाही है ना उनका जीवन देखिए आप, हर वक्त जो है उनके सिर पे तलवार लटकी हुई रहती है मौत की, लेकिन फिर भी वो कितना जिंदा दिली से इस जीवन को जीते हैं और हमारे देश की रक्षा करते हैं। हम अपने घरों में तभी चैन से सो पाते हैं जब हमारे भाई बंधु जो हैं ये देखिए यहाँ पे मतलब दिन रात ये देश की सेवा करते हैं। सच्ची में मेरी तरफ से एक बहुत ही बड़ा सलाम है, सल्यूट है हमारे देश की इंडियन आर्मी है, चाहे वो नेवी है चाहे वो एयरफोर्स है, सभी को ही। और ये देखिए सूर्यास्त जो है वो होने वाला है, बहुत ही प्यारा लग रहा था ये यहाँ पे आज सूर्यास्त होते हुए, बहुत ही प्यारा लग रहा था सच्ची में। और मैंने पहली बार ही देखा होगा सूर्यास्त इतने ध्यान से, क्योंकि हम ये देख रहे थे तो इसके साथ साथ जो है सूर्य देवता भी अभी जो है अस्त हो रहे हैं, तो काफी अच्छा लगा हमें यहाँ पे आके। और काफी मतलब एक अच्छा देशभक्ति का जो होता है ना माहौल वो यहाँ पे बन ही जाता है जब देखते हैं चारों ओर इधर उधर, तो दोनों देश के झंडे एक साथ यहाँ पे देखिए उतारते हुए अभी अभी यहाँ पे पूरा इनका अपना जो प्रोसीजर होता है ना ये उसको करते हैं, और उसके बाद जो झंडा है वो उतारा जाएगा यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखिए दोनों देश के झंडे जो हैं बड़े ही सम्मान के साथ उतारे जा रहे हैं, देख सकते हैं आप इनको, काफी अच्छा लगता है ये मंजर। और पहली बारी अपने तिरंगे को उतरते हुए भी देख रही हूँ यहाँ पे, तो मुझे लगता है शायद सुबह के टाइम ये फिर से चढ़ाते होंगे, और शाम के टाइम डेली ये सेरेमनी होती है। और आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा क्राउड है, मुझे लगता है कम से कम 10,000 लोग तो होंगे ही यहाँ पे, मतलब मैं तो आइडिया से बोल रही हूँ, कितना खचाखच भरा हुआ था ये, पूरी जगह भरी हुई थी, लोग खड़े थे, जहाँ पे बैठने की जगह मतलब खत्म हो गई थी तो लोग खड़े भी थे। और यहाँ पे देख सकते हैं आप पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों देशों के झंडे को निकाला जा रहा है, और अभी दोनों देश के जो जवान हैं ये अपने अपने देश के झंडे को इकट्ठा करके वापस ले आएंगे ससम्मान।
तो काफी प्राउड फील हो रहा था। मुझे उम्मीद है कि आज आपको भी काफी प्राउड फील रहा हो रहा होगा कि हम हिंदुस्तानी हैं और हमारे देश का सम्मान आन बान शान, हमारा तिरंगा देखिए यहाँ पे कितने तरीके से कवर करते हैं ना, सच्ची में ये देखिए। और लाने का तरीका देखिए कैसा है, तो हाथ में, दोनों हाथों में किस तरह से सम्मान के साथ लाया जा रहा है इसको वापस। तो मुझे उम्मीद है आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और बस यहाँ पे ये सेरेमनी जो है खत्म हो चुकी है, यहाँ पे इसके बाद जो सभी लोग हैं घर को आ जाते हैं वापस। और जहाँ से मैं कैप्चर कर रही थी ना, धूप की रोशनी इतनी थी स्क्रीन पे कुछ दिख ही नहीं रहा था। सारी जो परेड वगैरह है वो सब कुछ देख के वापस आ चुके हैं। ये देखिए पीछे, यहाँ से एंट्रेंस करके अंदर जाना होता है। और वहाँ हमारा